हाय दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे। अभी आप देख रहे हैं गंगा जी की धारा कम हो चुकी है। ये जो दृश्य है सुबह के 10 बजे का देख रहे हैं। आज संख्या आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है। ये नई घाट का दृश्य है जहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या होती है सबसे ज़्यादा। अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि यहाँ पे कराया जाता है। और दूसरा किनारा भी आप देख रहे हैं जल की धारा मूसलाधार बारिश के बाद इस तरह का रोक दिया गया है। देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे सोना चांदी सिक्के ढूंढ रहे हैं। चलते हैं अभी दूसरे घाटों का दृश्य दिखाते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। आप हरिद्वार कब आ रहे हैं ये जरूर कमेंट करें, और साथ में ये भी कमेंट करें कि आप हरिद्वार के साथ ऋषिकेश का भी प्लानिंग कर रहे हैं क्या। ये हम आ चुके हैं नई घाट के दूसरे किनारे पे। धूप तो काफ़ी तेज है। मौसम काफ़ी अच्छा है। मौसम का किसी प्रकार के अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं मौसम को लेके, कभी बच्चे के साथ या फिर मेरे साथ आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है बच्चे बुजुर्ग के साथ। लेकिन अभी के जो दृश्य है वो काफ़ी शानदार हो चुका है। देख रहे हैं काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और तेज़ धूप है, और साथ में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। श्रद्धालुओं की संख्या पूरे घाट आपको हाउसफुल दिखाई दे रहे होंगे। और मनसा देवी की जो यात्रा है वो आप कर सकते हैं। मनसा देवी के लिए दोनों ही मार्ग खुले हुए हैं, पैदल मार्ग और रोपवे का मार्ग, आराम से आप। बस थोड़ी सी ये है कि बारिश काफ़ी तेज होने की वजह से जल की धारा को थोड़ा कम कर दिया गया है। चलते हैं अब हम हर की पैड़ी जहाँ पे गंगा जी की आरती होती है, और आप सब वहाँ पे स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। ये हम आ चुके हैं धनु सेतु के नीचे। यहाँ पे गंगा जी की मेन धारा होती है, काफ़ी तेज होती है। और आप देख रहे हैं ऐसे तो आज जल की धारा काफ़ी कम है, क्योंकि आज पहले हमने बता दिया जल को रोक दिया गया आगे से, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। बाकी आपको हरिद्वार की यात्रा में अब आपको किसी बार कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी घबराहट मौसम को लेके हो रहा था, तो कभी तेज़ धूप तो कभी छांव तो हल्की बुल्की से बारिश, लेकिन फिर ज़्यादा खुल चुका है। तो आपको अब हरिद्वार यात्रा को लेके किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देख रहे हैं बस काफ़ी सारे लोग ये गलती कर जाते हैं, पॉलीथीन कपड़े गंगा जी पे ही बहा जाते हैं, जिसकी वजह से गंगा जी प्रदूषित होती है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉलीथीन कपड़े गंगा जी पे ना बहाएं। अब हम पहुंचने वाले हैं हर की पैड़ी पे, और ये प्रमुख घाट है जहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। अगर कोई बड़ा स्नान हो तो और भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिलता है। आरती के लिए श्रद्धालु यहाँ से बैठना स्टार्ट करते हैं, पूरा घाट फुल होता है। ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं गंगा जी की आरती के दर्शन करने के लिए। देख रहे हैं जल को रोकने के बाद इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग गहरे जल पे आके स्नान कर रहे हैं, और अभी 10:10 हुए हैं सुबह के। हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है और लोग गहरे जल में आके स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आज जल की धारा काफ़ी कम है। देख रहे हैं भीड़ यहीं पे है, अस्थि प्रवाह घाट कहा जाता है। अभी हम जाएंगे ऊपर संजय सेतु पे, और वहाँ से आपको दृश्य दिखाएंगे। पहले आपको नए घाट का दृश्य दिखाते हैं जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ होती है। ये है नए घाट, ये दूसरा है एरिया, और ये है प्रमुख जल की धारा। अभी लोग आना शुरू कर रहे हैं, भीड़ और भी बढ़ने वाली है गंगा घाटों पे। जल की धारा आज काफ़ी कम है, और ये आप देख रहे हैं नीचे जो चीज़ रखी हुई हैं बोरियाँ वो आपको दिखाई दे रही होंगी। और गहरे जल में आके श्रद्धालु आज गंगा स्नान कर रहे हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु का यही एक उम्मीद होती है कि हम गहरे जल में जाके स्नान करेंगे, आज वो उम्मीद उनकी पूरा होते हुए नज़र आ रहे हैं।
अब हम चल रहे हैं थोड़ा बाहर की ओर, बाहर का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको जूता स्टैंड मिलेगा जहाँ पे चप्पल जूता रख के आप घाट में प्रवेश करेंगे। ठंडी अभी भी है, देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग गर्म कपड़े पहने हुए हैं, हमने भी गर्म कपड़े पहन रखा है। ये है प्रमुख द्वार, यहाँ से आप हर की पैड़ी की ओर जाएंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। ब्रह्मकुंड के पास स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है। ये है मोती बाजार जाने का मार्ग जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, खाने पीने की काफ़ी फेमस चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी और साथ में शॉपिंग भी कर सकते हैं। और दूसरी जो मार्ग है ये है, ये तो आप जानते ही हैं, जब भी आते होंगे आप इसी मार्ग से ही होके आते होंगे। इसे अपर रोड मार्केट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आप रूम होटल सारे सुविधा आपको मिल जाते हैं। देख रहे हैं ई रिक्शे की सेवा आपको घाट तक ही मिलता है, ये आप देख रहे हैं घाट तक ही मिल जाएगा, लेकिन जब कोई बड़ा स्थान होता है तो ये सेवा यहाँ तक नहीं मिलता। चलते हैं, अब घाट के दूसरे किनारे पे जाएंगे और आपको पूरी दृश्य दिखाएंगे। ऐसे हरिद्वार के जो मौसम है अभी देख रहे हैं काफ़ी खुल चुका है, बादल नहीं है बिल्कुल भी, और क्योंकि कल परसों का जो दृश्य था बादल कभी आ रहा था कभी जा रहा था, बादल छाए हुए थे जिसकी वजह से हल्की हल्की से बूंदे बांदी बारिश भी हो रही थी और कभी तेज़ धूप तो कभी तेज बारिश, इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि बारिश होगा, मौसम को देख कर नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं धनुष सेतु में। धनुष सेतु सीधे ऋषिकेश बाईपास की ओर आपको लेके जाएगा और काफ़ी अच्छा सेतु है। और यहाँ पे 3 सेतु और थे जिसे हटा दिया गया है, अभी हम आपको दिखाएंगे, वो भी ऐसे ही लोहे का था। ये जो सेतु है आपको दिखाई देगा, ये पहला सेतु, फिर दूसरा सेतु, फिर तीसरा सेतु, 3 सेतु था। देख रहे हैं जल की धारा कितनी थम चुकी है, यहाँ पे आपको पत्थर दिखाई दे रहा होगा सीमेंट का काफ़ी, देख रहे हैं कितनी जल थम चुकी है। ये है हर की पैड़ी, इस मार्ग से भी लोग आते हैं और गंगा जी के में डुबकी लगा के जाते हैं। आप हरिद्वार की प्लानिंग कर सकते हैं, किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है। अब मौसम भी खुल चुका है और आप अगर हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपके साथ बच्चे बुजुर्ग हैं थोड़ा सा गर्म कपड़े लाइएगा अभी, क्योंकि अभी ठंडी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और मौसम तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी तेज़ धूप है, किसी बारे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर किसी भी प्रकार कोई कन्फ्यूजन है आपको हरिद्वार यात्रा को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हम जल्द से रिप्लाई करें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे, नमामि गंगे।